नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं मुर्तजा अमीन जी के साथ। मुर्तजा अमीन एक बिजनेस एक्सपर्ट है, इंटरनेट पे ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं उसके जितने भी तरीके हैं सारे मुर्तजा अपना चुके हैं, आजमा चुके हैं और उन्हें पता है, खुद के हाथ जलाकर ये पता है कि कहाँ कहाँ स्कैम्स हो रहे हैं और किस प्रकार के स्कैम्स हो रहे हैं। आज हम एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही जाना माना, बहुत ही वेल नोन स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं MLM। इस टॉपिक के बारे में मेरी नॉलेज भी काफी कम है, सो मैं भी रिलाई करने वाला हूँ मुर्तजा अमीन के नॉलेज के ऊपर, गाइडेंस के ऊपर। तो मुर्तजा, वेलकम टू द चैनल। शुरू करते हैं, आप हमें बताइए सबसे पहले कि ये MLM होता क्या है। श्योर अकुल भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द चैनल अगेन। MLM क्या होता है? अब एक तो पिरामिड स्कीम होती है और एक MLM होता है, ये दो वर्ड्स आप सभी लोगों ने सुने होंगे। पिरामिड स्कीम बाय डेफिनेशन इज इलीगल इन इंडिया एंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो पिरामिड स्कीम को ये लोग MLM के नाम से बेचा जाता है, रहता कोर पिरामिड स्कीम ही है मगर MLM बोल के बेचते हैं। अब MLM ये होता है कि मैंने मान लीजिए OnePlus लॉन्च किया, अगर OnePlus मान लीजिए मेरा फोन होता, मेरी कंपनी का प्रोडक्ट होता और मैं डायरेक्टली जो कन्वेंशनल चैनल है कि मैं Amazon Flipkart के थ्रू बेचूं या फिर दुकानदारों तक के पहुंचाऊं और दुकानदार बेचे, वो ना अपनाते हुए मैं इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स पकड़ के लाऊंगा और उनको बोलूंगा कि तुम बेचो और जितना तुम फोन बेचोगे उतना मैं तुमको उसकी सेल के ऊपर एक कमीशन दूंगा। इस मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग की डेफिनेशन है कि मैं डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा हूँ मेरे प्रोडक्ट की और बीच की लेयर्स हटा के मैं एंड कंज्यूमर को बोल रहा हूँ कि तुम मेरे कंज्यूमर भी बन जाओ और डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाओ। अब ये लोग बोलते तो ऐसा है कि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग चलाते हैं, हमारी मार्केटिंग स्कीम ऐसी है, मगर कोर इनका बिजनेस मॉडल ये होता है कि ये लोग एक पिरामिड स्कीम है। अब OnePlus का एक फोन जो मार्केट में 30,000 का आ रहा है, ये लोग उस फोन का प्राइस जैकअप करके 45,000 कर देते हैं और एक बार आप उनके पिरामिड स्कीम में या मल्टी लेवल मार्केटिंग के स्कीम में जुड़ गए तो आपको वो फोन 45,000 का बेचना होगा और जो चीज एक दूसरी कंपनी 30,000 में दे रही है कोई भी आदमी 45,000 की नहीं खरीदेगा। तो प्रोडक्ट सेल्स करके कमीशन जनरेट करना ये कंपनीज इम्पॉसिबल कर देती है। ये इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया जाता है कि एवरेज मीडियोकर क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स की उनको कोई वो नहीं है, मतलब प्रोडक्ट्स उनको बेच के पैसे नहीं कमाने हैं कंपनी वालों को, इन लोगों को सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ने हैं। अब प्रोडक्ट इन्होंने बहुत महंगा कर दिए और दूसरा फिर ये क्या बोलते हैं आपको कि नहीं प्रोडक्ट पे इतना फोकस मत करो, आप तो बोले आपके नीचे दो डिस्ट्रीब्यूटर और ले आओ और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोडक्ट बेचेंगे और आपको उनके ज्वाइंट होने पे भी कमीशन मिलेगा और प्रोडक्ट बेचने पे भी मिलेगा। तो आप सोचते हो चलो ठीक है, मैं मेरे दो पहचान वालों को ले आता हूँ ताकि मुझे प्रोडक्ट ना बेचना पड़े, वो लोग प्रोडक्ट बेचे और मुझे प्रोडक्ट सेल का भी कमीशन मिले और इन लोगों को ज्वाइन करवाने का ज्वाइनिंग बोनस है जो भी बोलते हैं वो भी मिले। और ऐसा करते करते ये लोग एक चेन बनाना चाहते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं पिरामिड स्कीम के ऊपर जो कुछ लोग होते हैं और नीचे बहुत बड़ा फैला हुआ होता है और ऊपर भी कुछ लोग पिरामिड स्कीम में मल्टी लेवल मार्केटिंग में पैसे कमा भी लेते हैं। तो बाय डेफिनेशन ये होती है MLM और पिरामिड स्कीम। सो बेसिकली अगर मैंने सही समझा, सो ऊपर जो बंदा, जो पिरामिड का शेप बन रहा है, ऊपर एक बंदा है वो कुछ और बंदे लाता है, फिर वो कुछ और बंदे लाते हैं, फिर वो और कुछ बंदे लाते हैं और ये पिरामिड बन जाता है। और इसमें जो आप बता रहे हो कि मैंने जो माल बेचा उस पर मुझे कमीशन मिलेगा और जो मेरे नीचे बंदे ने माल बेचा उस पर भी मुझे कमीशन मिलेगा और उसके नीचे जिसने माल बेचा उस पर इसे भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। तो हर लेवल पर कुछ कुछ कमीशन आता रहेगा, भले ही घट के आता रहे, लेकिन इन जनरल अगर आप साइंस लगाओ तो जितने ज्यादा लेवल बनेंगे उतना कमीशन या तो कम आएगा या फिर इतने पैसे बचेंगे नहीं कि सबको कमीशन मिल सके, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि आप लोगों को लाके और जोड़ो उसके अंदर कि आपका कमीशन आता रहे, तो ये पूरा जो है एक तरह से लालच दिया जा रहा है कि बहुत पैसे बनेंगे बस और लोगों को ले आओ। पर अगर प्रोडक्ट सच में 30,000 का बिक जाता है 45,000 में,
तो उसमें गलत बात मुझे दिख नहीं रही है कि ठीक है 45,000 में बेच लिया, मार्जिन ज्यादा रख लिया और डिस्ट्रीब्यूटर्स हटा दिए, ये सारे जो MLM स्कीम वाले हैं, सारे पिरामिड वाले हैं, इन सभी ने पैसे कमा लिए, तो उसमें गलत क्या है? बराबर। तो इसमें ना दो तीन केवियाट है जो शायद अब मैं बोल नहीं पाया। तो जैसे पिरामिड जब बनता है तो आपके नीचे दो लोग आते हैं तो उसको वो लोग दो लेग कहते हैं कि आपके दो लेग बन गए, और फिर वो दो लेग के नीचे दो दो लेग और बन गए, और फिर वो जो नीचे चार लेग बने उनके दो दो लेग और बन गए। तो आपका जो फोर्थ स्टेप है उसमें 8 लोग है, बराबर जी। अब जो ये 8 लोग है ये लोग भी काम कर रहे हैं आपको सेल्स जनरेट कराने के लिए, मगर इसमें ये लोग इस किस्म का साइंस, इन लोगों को ना एक तो ह्यूमन साइकोलॉजी समझ में आती है और दूसरा ये कि इन लोगों ने मैथ बहुत बराबर से करके रखा है कि ऑन एन एवरेज 60-70% 80% लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि 30,000 का प्रोडक्ट 45,000 में बेचना बहुत मुश्किल होता है, ट्रांसफर भी नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए मेरा लेग टूटता है, जो मेरे नीचे के दो लेग थे, और उसमें से अगर मान लीजिए ये वाला बंदा एक्टिविटी नहीं जनरेट कर रहा है, तो मुझे इस लेग की एक्टिविटी के पैसे भी नहीं आएंगे। तो ये केवियाट है जो आपको ज्वाइन करते वक्त नहीं बताया जाता है। ये मैं बहुत ही जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ईबीस करके एमएलएम स्कैम कंपनी थी जो अभी बंद हो चुकी है, जिसके ओनर जेल में है, तो वो कंपनी ये करती थी कि अगर आपका एक लेग बंद हो गया तो दूसरे लेग के भी चेक आपको नहीं आएंगे, और आप अगर टॉप ऑफ द पिरामिड में भी हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपके नीचे के लेग बराबर जनरेट काम कर रहे हैं, काम बंद ना करे। आप समझे मेरी बात? सब मुर्तजा भाई मुझे ये बताओ, इसमें क्या ऐसा होता है कि एट सम पॉइंट ये पैसा लेके भाग जाते हैं, या फिर कमीशन में आना बंद हो जाते हैं? प्रॉब्लम कहाँ होती है? चलो मेरे को अपने लेग भी अगर चालू रखने हैं तो गलत क्या है उसमें? ये मैं समझा कि माल बिकते रहेंगे, कम बिकेंगे कमीशन आना बंद हो जाएगा, कुछ ना कुछ टेक्निकलिटी दिखा के कि आपके लेग डिसेबल हो गए, वो एक तरह का स्कैम मुझे दिख रहा है कि चलो कि नो आपने ये टेक्निकल पॉइंट मीट नहीं किया, वो पॉइंट मीट नहीं किया तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा, लेकिन कोई आपके पैसे लेके भाग नहीं रहा है, क्या ये सही है? सी, ये लोग पैसे चुरा के भागना नहीं चाहते, ये लोग आपको बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके नीचे ज्वाइन करो ताकि ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग बोनस। जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको जो 30,000 का फोन है वो 45,000 रुपए में आपको 3 फोन या 5 फोन पकड़ा देते हैं। अच्छा, आपको ज्वाइनिंग में इतना माल खरीदना पड़ेगा, जैसे एमबे करके कंपनी है तो ज्वाइनिंग में आपको किट खरीदना पड़ता है। अच्छा। ज्वाइनिंग में किट खरीदना पड़ता है, तो वो किट के अंदर आपको मान लीजिए मैंने 5 फोन पकड़ा दिया कि यार मार्केट में तो 30,000 का है, मगर मैंने आपको बोला कि नहीं हमारा तो इंटरनेशनल ब्रांड है और ऐसे वैसे बोल के आपको 30,000 के 5 फोन मैंने जो कि 1.5 लाख के होने चाहिए थे 2.5 लाख में दिया, तो मैंने लाखों रुपए तो तभी कमा लिया। और ज्यादातर जो है ये लोग जो है फोन नहीं बेचते होंगे, कुछ और प्रोडक्ट्स होते होंगे जिसकी वैल्यू कंपेयर करना मुश्किल हो। एग्जैक्टली, तो एक तो इन लोगों कपड़े बेचते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अब इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट पे MRP नहीं लगा सकते हो आप, जैसे यू नो जो अंकुर भाई वीडियोस बनाते हैं बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोस है, तो यू कैन नॉट पुट अ प्राइस ऑन अ वीडियो। बट अब ये लोग बोलते हैं कि हमारे वीडियोस 20,000 का एक वीडियो है, 20,000 का कोर्स है आपको लेना पड़ेगा, बिजनेस का कोर्स है, एजुकेशन का कोर्स है, और वो बोल के आपको 20,000 का कोर्स दे दिया। आप उनको कोर्स का प्रोडक्शन कॉस्ट तो एक ही बार लगा, और वो कोर्स बहुत ही लो क्वालिटी कोर्स होते हैं, 20,000 रुपए आपसे ज्वाइनिंग पे ले लिए, और फिर अब आपको 20,000 रिकवर करने के लिए आपको एटलीस्ट 5 लोगों को ज्वाइन करवाना है। तो जो 5 लोग ज्वाइन किए उन्होंने भी 20,000 रुपए दिया, कंपनी को 1,00,000 रुपए आ गया, फिर वो 5 लोगों को अपने 20,000 निकालने के लिए 5 लोगों को लाना है, क्योंकि 3:2 का लेग रेशो जब तक नहीं बनता आपको चेक नहीं जनरेट करते हैं ये लोग। मैं EBS की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, हर कंपनी ने अपना अपना अलग अलग फार्मूला लगा के रखी है। जैसे गैम्बलिंग होती है, गैम्बलिंग में कैसीनो नेवर लूजेस, द हाउस नेवर लूजेस, द हाउस नेवर लूजेस, या। तो मैं समझा, सो बेसिकली एक गड़बड़ ये हो रही है कि आपको थोड़ा सा एक तरह से प्रेशर है आपके ऊपर कि आप और लोगों को आके जोड़े, और हर किसी को जोड़ने के लिए थोड़ा सा उन्हें इन्वेस्टमेंट करना होता है ज्वाइनिंग के लिए, और आपके टारगेट मीट ना हो रहे हो तो हो सकता है आप प्रोडक्ट्स खरीद लो खुद ही। काफी लोगों को मैंने सुना है कि ऐसा भी करते हैं, अपने प्रोडक्ट खुद ही खरीद लेते हैं कि मेरा टारगेट जो है मीट होता रहे, अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को ज्वाइन करवा देते हैं कि मेरा एक लेग और दिख जाए। So, एक तरह से बेसिकली प्रोडक्ट में इन जनरल वैल्यू कम है,
कि वो अपने आप नहीं बिकेगा प्रोडक्ट। इसीलिए इतना सेल्स फोर्स लगाया जाता है, ये स्कीम बनाया जाता है, ये लेवल बनाया जाता है, और सब पर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि वो ओवर प्राइस माल पे ये चीजें बेचते रहे। एंड अल्टीमेटली भले ही वो फोन 15,000 का हो, 30,000 का हो, या 45,000 का, कितने का भी सामान हो, वो कंपनी को तो आपने उसके दाम भरे है ना, भले ही मार्जिन लोगों पे बट गया, लेकिन कुछ कुछ हर लेयर पे जो है कंपनी ने तो पैसा बना लिया माल देकर ही अपफ्रंट। तो ये गड़बड़ अब थोड़ी सी समझ में आ रही है। बट ऐसा क्या होता है कि लोग एकदम आंखें बंद करके ऐसे प्रोडक्ट्स के पीछे लग जाते हैं? क्या टेक्निक्स होती है, किस तरह लालच दिया जाता है MLM स्कीम्स में? MLM स्कीम्स में ज्यादातर जो वल्नरेबल क्लास है, गरीब तबके के लोग है, या जिन लोगों को बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमाना है, उन लोगों को ये लोग ढूंढते हैं। अब अगर कोई भी आपको MLM स्कीम वाला आपको मिलेगा, तो एक तो वो सबसे पहले आपसे बहुत ही फैंसी कपड़े पहनेगा, बहुत ही महंगी घड़ियां पहन के आएगा, वो रोलेक्स ओरिजिनल है कि फेक है वो एक सेकेंडरी मैटर है। वो तो रोलेक्स पहन के आएगा, बड़ी महंगी सी कार से उतरेगा, फिर बोलेगा अरे मेरे सर आ रहे हैं बॉम्बे से, दिल्ली से, बेंगलोर से, उनके सामने वो कंपनी का नाम कभी नहीं बताएगा। फिर वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, यार पहला सवाल ये पूछेगा तेरी फेवरेट गाड़ी कौन सी है भाई, तो उनका पहला सवाल ही ये होता है तेरी फेवरेट गाड़ी कौन सी है। फिर अपन बोलेंगे यार मुझे तो वही रोसी आज बड़ी अच्छी लगती है, तो बोले अरे कैसी गरीब जैसी बातें कर रहा है तू, जरा खुल के बोल, तो आपने फॉर एग्जाम्पल फरारी बोल दी, तो फिर वो कैलकुलेशन करने बैठ जाएगा आपके साथ में कि तुम्हारी करंट सैलरी पे अगर 20% भी ग्रोथ मिली तो तुम जिंदगी में फरारी नहीं खरीद सकते। फिर वो आपको उनकी अपलाइन के चेक दिखाने लग जाएगा, देखिए सर को 50 लाख का चेक आया, ये सर को 25 लाख का चेक आया। तो एक जनरली बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि वो लोग पैसा दिखा के अट्रैक्ट करते हैं, ग्लैमरस लाइफस्टाइल, दुबई के और साउथ अमेरिका के वेकेशन के फोटोज दिखा के अट्रैक्ट करते हैं, और ज्यादातर चीजें फेक होती है। अगर मेरे पास में मान लो ओरिजिनल रोलेक्स भी है तो आपको क्या पता कि मैंने EMI पे खरीदी है कि कैश देके खरीदी है। तो ये प्रॉपर सेल्स वालों के टेक्निक होते हैं, जैसे कि कई सारे सेल्स वाले हैं जो मैकबुक खरीदते हैं ऐसा, और वो ये मैकबुक सिर्फ इसीलिए खरीदते हैं कि सेल्स मीटिंग में जब आप 1,00,000 रुपए का लैपटॉप खोलोंगे सामने, या 1.5 लाख का लैपटॉप, सामने वाले को लगता है कि हाँ ये कोई चीज है, तो आपके प्राइस ना जो बेच रहे हो 5,000 की चीज आप 6,000 कोट कर सकते हो। सर्विस इंडस्ट्री में ये काफी चलता है। तो इन्हीं चीजों को आई थिंक सोशल प्रेशर बना दिया है, और एक तरह से फोमो दे दिया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसे मैं कहता हूँ। और बड़े शहरों में यह मैं मानता हूँ अब ये होना बंद हो गया है, ये छोटे शहरों में जा रहे हैं, बड़े शहरों में ये चीज 10 साल पहले हो चुकी है, सबको पता है ये स्कीम होती है, पर छोटे शहरों में लोग अभी भी फंस रहे हैं ऐसे टाइप के स्कीम्स में। और इससे बचने का तरीका बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है, बट मुर्तजा फिर भी आप बताएंगे कि इससे कैसे अवॉइड किया जाए, कोई भी मेरिट है किसी भी MLM ऐसे स्कीम में? इसमें एक चीज आपने मेंशन की जो मैं बोलना भूल गया था, बहुत अच्छा आपने कहा कि आपको प्रेशर में आके प्रोडक्ट्स खरीदना पड़ता है क्योंकि आपको आपकी डाउनलाइन एक्टिव रखना है। तो ये बात बहुत सही है आपकी कि आपको ना अगर आपको आपके इंसेंटिव स्ट्रक्चर में जुड़े रहना है, मतलब आपका इंसेंटिव स्ट्रक्चर ये लोग आपकी सेल पे बांध देते हैं कभी कभार, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप डायमंड मेंबर हो तो आपको डाउनलाइन का 25% आएगा, और अगर आप मान लो गोल्ड मेंबर हो तो 10% आएगा, और सिल्वर हो तो 5% आएगा। तो अगर आप एक बार डायमंड बन गए और आपको 25% आ रहा है, तो आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को नीचे ज्वाइन करवाने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको आपकी जो ज्वाइन किया उसका 25% चाहिए, 5% नहीं चाहिए। और तो इस किस्म से ये लोग ना आपके रिश्तेदारों को, फिर आप क्या करते हो 25% मेंटेन करने के लिए, अरे यार और हर क्वार्टर में चेंज होता है ये स्टेटस। तो अगर मान लो आपका ये क्वार्टर में आपके डाउनलाइन के थ्रू आपका डायमंड लेवल रीच नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको प्रेशर में आके आपके रिश्तेदारों को ज्वाइन करवाना पड़ता है। तो ये सारी जो चीजें है ये देखने से ही लगना चाहिए कि स्कैम है। फिर आपने जो सवाल पूछो मैं उसका जवाब देता हूँ कि कैसे पता कर सकते हैं कौन सी चीज जेन्युइन है, कौन सी स्कैम है। एक तो ये है कि अनरियलिस्टिक रिटर्न्स की अगर वो लोग बात कर रहे हैं कि आप करोड़पति बन जाओगे 3 साल में, तो अनलेस आपने आपकी जिंदगी में कोई बहुत अच्छा काम किया है, तो 0 से करोड़पति 3 साल में बनना एक बहुत ही अनरियलिस्टिक रिटर्न है, और MLM के थ्रू तो बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक है। मतलब अगर बिजनेस खोल दी और बहुत अच्छा चल गया तो खैर ठीक है, वो एक अलग बात है, बट MLM के थ्रू एक
अगर वो थोड़ी भी पुरानी स्कीम है यानी आपकी अपलाइन ऊपर आपके भी बैठी है तो आप तक के करोड़ रुपए बच के आना बहुत मुश्किल हो जाता है। अनरियलिस्टिक रिटर्न्स अगर बोल रहे हैं तो दूर रहो। अगर आपको ज्वाइन करने के लिए प्रोडक्ट खरीदना पड़ रहा है जबरदस्ती तो वो एक गलत है। अगर आपको वो लोग ज्वाइन करते वक्त कुछ भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहे हैं, रिफंड पॉलिसी नहीं बता रहे, गवर्नमेंट ने मैंडेट करके रखी है यू नो कि एमएलएम कंपनीज आपको आपके मेंटली प्रेशर नहीं बना सकते हैं, उनकी रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें गवर्नमेंट की है। मगर अब जैसे ईबीज है, आप अगर उनकी वेबसाइट पे देखोगे तो वो लोग रिटर्न पॉलिसी के बारे में कहीं भी बात नहीं करते हैं, मगर आप अगर एक्चुअल में उनका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो उसमें रिटर्न पॉलिसी के बारे में है कि कोई भी रिटर्न आप मांग सकते हो, मगर फिर वो रिटर्न आप मांगोगे तो फोन नहीं उठाते हैं। फिर दूसरी एक चीज, एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है, जो फर्जी एमएलएम कंपनीज होती है ना, वो आपको हमेशा उनके सेमिनार्स में बोलेगी कि अरे बहुत नेगेटिविटी है मार्केट में, हमारा नाम यूट्यूब पे मत देखो, अरे लोग तो कुछ भी बोलते हैं, जो लोग लूजर्स हैं वो लोग तो कुछ भी यूट्यूब पे डाल देते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग यू नो के, ताकि आप उनके बारे में सर्च ना करो, न्यूज पे सर्च ना करो। मगर मेरा ये कहना है कि आप कोई भी स्कीम ज्वाइन कर रहे हो तो उसके बारे में यूट्यूब पे, फेसबुक पे, माउशर्ट पे, ये सारी वेबसाइटों पे जाके रेटिंग्स रिव्यूज तो पढ़िए कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, ये लेजिटिमेट कंपनी है भी कि नहीं, सक्सेस रेशो कितना है, क्योंकि जो आपकी अपलाइन है वो भी आपसे 2 महीने पहले ही ज्वाइन की है, 1 या 2 महीने 3 महीने पहले। एमएलएम के अंदर साल भर के ऊपर ऑन एन एवरेज आज भी नहीं काम कर पाता है क्योंकि उसको पता चलने लगता है कि दिस इज अ स्कैमी कंपनी। सो अल्टीमेटली क्या होता है, समझो कोई एमएलएम स्कीम चल गई 1 साल 2 साल, तो उसके बाद क्या होता है कि क्या वो कंपनी पैसे देना बंद कर देती है, बंद करके भाग जाती है, या टेक्निकलिटी पे ही आपको डिस्क्वालीफाई कर देती है? सो बंद करके नहीं भागते हैं ये लोग, इन लोगों ने एक चीज अच्छी सीख ली है, इन लोगों ने एक चीज तो ये है कि इनका कंपनी पूरा लीगली रजिस्टर करवाते हैं, वो लोग प्रॉपर एक प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर होती है एमएलएम बॉडी के अंदर, ये लोग अपने आप को रजिस्टर कराते हैं और जीएसटी बराबर कटता है, ये सारी चीजें तो बराबर से कर रहे हैं तो ताकि गवर्नमेंट की कोई प्रॉब्लम उन तक ना आ सके। मगर ये और पैसे लेके नहीं भागते हैं ये लोग, क्या करते हैं कि इनका जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देते हैं, थोड़ा और मुश्किल कर देते हैं। जैसे ही थोड़े मेंबर आ गए, इंसेंटिव स्ट्रक्चर उन्होंने नीचे वालों के लिए डिफिकल्ट कर दिया। अब ये लोग तो चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक नई एमएलएम कंपनी आ चुकी है, वो जो एमएलएम कंपनी है वो तो चाहेगी कि उनके जो पहले 200-300-500 डिस्ट्रीब्यूटर्स है ऑल इंडिया में, वो लोग अच्छा पैसा कमाए, और क्योंकि वो पैसा जेब से तो उन्हें भरना नहीं पड़ रहा है, और वो लोग अच्छा पैसा कमाएंगे तो वो लोग और ज्यादा एफर्ट डालेंगे, और ज्यादा लोगों को लाने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा प्रमोट करेंगे वो लोग 200-300 लोग इंडिया में जाके। तो जब तक कि उनके पहले 200-300 की मेंबर्स जनरेट नहीं हो जाते हैं इंडिया के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, तब तक कि वो लोग बिल्कुल आपको अलाउ करते हैं अच्छा पैसा कमाना, वो डाउनलाइन को भी अच्छा पैसा भेजते हैं, चेक बराबर आएंगे। बट ये है कि ये जो बिजनेस मॉडल है कि आपको आप बेवकूफ बन चुके हो और आप 2 लोगों को बेवकूफ बनाओ ताकि आपका पैसा रिटर्न आ सके, ये मॉडल ही गलत है पूरा के पूरा। आई अंडरस्टैंड कि बिजनेस मॉडल में ये जो है ज्यादातर मेरिट नहीं होता है, प्रोडक्ट्स जो है उनमें वैल्यू कम है, सेल्स के थ्रू पुश किया जा रहा है, और ये सेल्स का जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर बनाया है वो बड़ा गड़बड़ हो सकता है। सो मुर्तजा, क्या कोई भी ऐसा एमएलएम स्कीम है या कोई भी ऐसे एमएलएम के थ्रू बिकने वाला प्रोडक्ट आपको मिला है जो आपको लगे कि जेन्युइन है? टपरवेयर एक ठीक एमएलएम कंपनी है। कौन सी? टपरवेयर। ओके, तो टपरवेयर में भी क्या ऐसा है कि मेरे 4 लेवल नीचे भी जो बेचेगा उस पर मेरे को कमीशन मिलेगा? उन्होंने एक बात का काफी ध्यान रखा कि जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है वो सबों के लिए फेयर है, तो एकदम से अनरियलिस्टिक रिटर्न्स आपको टपरवेयर नहीं बोलता है लेने का, वो बोलता है कि आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनो, अपने गांव में छोटी सी दुकान खोलो टपरवेयर की, आप जितना माल बेचोगे माल पे कमीशन भी मिलेगा, और आपके नीचे अगर आपने मान लो 2 डिस्ट्रीब्यूटर और ज्वाइन करवाए तो आपको ज्वाइनिंग पे छोटा सा थोड़ा सा बोनस वगैरह कुछ मिलता है, ज्यादा नहीं, और वो जो पैसा वो आपके नीचे वाला भरता है उससे उसको टपरवेयर के प्रोडक्ट्स आते हैं, फिर वो टपरवेयर के प्रोडक्ट्स ऑल इंडिया या उसके डिस्ट्रिक्ट में या जहां पे भी उसे बेचना बेच सकता है। इंटरेस्टिंग। टपरवेयर ठीक है, एमवे ठीक है थोड़ी, एमवे
एमवे ने प्रोडक्ट क्वालिटी डिसेंट रखी है, इफ नॉट द बेस्ट। एमवे थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा ओवरली प्राइस्ड है, क्योंकि एमवे एमएलएम के अंदर काफी अच्छा नाम है, मतलब फर्जी वाला नहीं करते हैं, बराबर से प्रोडक्ट बेचते हैं। तो एमवे और टपरवेयर का मैंने नाम सुना है। तो बेसिकली ऐसा हो गया कि जैसे हमने डेटा एंट्री जॉब्स के बारे में बात की थी, जहां हमने वो वीडियो में डिस्कस किया था कि डेटा एंट्री के स्कैम्स क्या होते हैं, उसमें भी आपने इवेंचुअली यही कंक्लूजन दिया था कि 60-70% जो है स्कैम है, 20-30% में कुछ मेरिट हो। तो शायद एमएलएम भी ऐसा ही है कि बहुत कम कंपनीज और बहुत कम सिचुएशंस में मेरिट है। कंप्लीटली आप रिजेक्ट नहीं कर सकते आइडिया को, लेकिन ज्यादातर अगर कोई आके आपको एमएलएम के लिए अप्रोच कर रहा है, किसी सेमिनार के लिए इनवाइट कर रहा है, हमारे बॉस दुबई से आए हैं आपको प्रेजेंटेशन देंगे, तो थोड़ा सा आप सतर्क तो हो जाइए। हो सकता है कि आपके साथ धोखा होने वाला है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली हालात का धोखा तो जरूर हो सकता है। सही बात है। और इसमें सिर्फ पैसा ही इन्वॉल्व नहीं है जो आपने भरा है, इसमें आपका टाइम, आपकी रेपुटेशन, आपका मेंटल जो मेंटली आपको एग्जॉस्ट कर देते हैं, बहुत सारी चीजें, मेंटल पीस इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी फैमिलीज बर्बाद हुई है एमएलएम के चक्कर में। नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, जो अगर आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं, बेटिंग ऑन जीरो करके। ओके, इसका लिंक भी जो है डॉक्यूमेंट्री का मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा आपके लिए। सो ग्रेट मुर्तजा भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। आपसे इसी तरह बस बात होती रहे, यही हमारी इच्छा है। एंड कोई सवाल हो हमारे व्यूअर्स के तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं मुर्तजा भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके कभी कभार जवाब दे दिया करें। श्योर, थैंक यू फॉर हैविंग मी अंकुर भाई। चलो बाय, सी यू।